नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल में चुनावों के बीच हिंसा और बमबारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कभी जुबानी जंग तो कभी बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प भी आम बात हो गई है। पश्चिम बंगाल में 4 चरणों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण का चुनाव होना है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज इलाके में सोमवार को 14 क्रूड बम बरामद किए गए। सुरक्षा बलों को शक है कि इन बमों का इस्तेमाल वोटिंग के दिन किया जाना था। मुर्शिदाबाद जिले में 14 बमों को बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा डिस्पोज कर दिया गया है। ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब राज्य में 17 अप्रैल को 5वें चरण के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मुर्शिदाबाद में बम मिलने की घटना हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मिड मार्च में भी मुर्शिदाबाद के सालार इलाके में 17 बम बरामद किए गए थे। उस वक्त पुलिस ने कहा था कि खुफिया जानकारी के आधार पर बम को बरामद किया गया है। पुलिस ने आशंका जताई थी कि विधानसभा चुनाव के समय इन बम का उपयोग किया जाना था। इससे पहले 10 अप्रैल को चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार के एक मतदान केंद्र पर हिंसा भड़क उठी थी। सत्तारूढ़ टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने कूच बिहार में मतदान केंद्रों पर 2 बार आग लगाई और गोलियां चलाई, जहां लोग अपने वोट डाल रहे थे, जिसमें 5 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। कूच बिहार के आधिकारिक सूत्रों ने जिले में 4 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस घटना के बाद चुनाव आयोग ने विशेष पर्यवेक्षकों की एक अंतिम रिपोर्ट के आधार पर सीतलकुची और कूच बिहार के 126 केंद्रों पर मतदान स्थगित करने का आदेश दिया। चुनाव आयोग ने शनिवार को शाम 5 बजे तक मुख्य चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।